हेलो गाइस, वेलकम टू जैन क्लासेस। मैं पारनी मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है यूपी स्पेशल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी के प्रमुख पक्षी विहार। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पटना पक्षी विहार। सबसे पहला ही अगर ये आ गया तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि बिहार में है, जबकि ये कहाँ है, ये है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा रहा उत्तर प्रदेश में, तो वो था मतलब है अभी भी नवाबगंज उन्नाव में है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं बाखेरा पक्षी विहार। तो ये कहाँ है, ये है संत कबीर नगर नवीनतम रामसर साइट, ये हाल ही में बना हुआ है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो वो है लाख महोशी जो कि कन्नौज में है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा यूपी का एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। भारत देश में यूपी का अग्रणी उत्पादक क्या है, ठीक है, यूपी जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो वो कौन कौन सा चीज़ है, आलू गेहूँ गन्ना दूध तरबूज खरबूजा आम आंवला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरे स्थान पर क्या है, तो वो है चावल और चीनी। अगला देखते हैं यूपी का आलू शोध संस्थान कहाँ है, तो ये है बाबूगढ़ के मोतीनगर। ओके, तो ये भी कुछ छोटा सा ही बहुत ही टॉपिक था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।